खुला है हम लोग के लिए थोड़ी नहीं खुला है, दूसरों के लिए खुला, जो बड़े लोग उनके लिए खुला, हम लोग के लिए थोड़ी खुला है। जरूर देख लो कि केड़े मजदूर दी गल कर रहे ने, केड़े गरीब दी गल कर रहे ने। कल केंद्र वालों 20 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पेश हो गया, ऐलान कर दिया गया कि बहुत सारे जिहड़े खाते ने, बहुत सारे लोगों के जिहड़े भुखमरी के शिकार ने, उन्होंने लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पर जिहड़ियां तस्वीरां ने पंजाब दीआं तस्वीरां ने, जिहड़े मजदूर पैदल जाण दे लई अपने घरां नूं मजबूर ने, की मजबूरियां ने इत्थे, इन्हां नूं की नहीं मिल रहा, सब कुछ जानांगे। सो कित्थों आ रहे हो? तलवाड़ा से आप दो चार दिन से चले हुए है ना, और यहाँ से अब जाएगा गोरखपुर कितना दूर है, कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। कितने दिन लग जाएंगे पे? कम से कम 12-13 दिन तो लगी जाएंगे। 12-13 दिन पैदल जाओगे? क्या मजबूरी है पंजाब में, खाने को नहीं मिल रहा? खाने को क्या मिलेगा, काम धंधा ये नहीं तो खाने को कहाँ से मिलेगा? पर इस समय तो बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, सो क्या परेशानी आ रही है? खुला है हम लोग के लिए थोड़ी नहीं खुला है, दूसरों के लिए खुला, जो बड़े लोग उनके लिए खुला, हम लोग के लिए थोड़ी खुला है। अच्छा, नहीं अभी आपको फैक्ट्री वालों ने पैसा पूछा नहीं दिया? ना ना, फैक्ट्री वाले जैसे हम लोग अपना काम करते हैं ना, टाइल पत्थर का, ठीक है, उसका वो काम ही धंधा नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे? हमारा काम नहीं कराएगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जिससे घर जाएगा काम नहीं चालू कराएगा, इसलिए हम लोग का काम बंद हो गया है, क्या कराएंगे जब कमाई नहीं होगा? नहीं अभी मतलब जैसे पंजाब सरकार कह रही है कि हम तो मजदूरों का करीब बहुत रहे हैं, राशन भी घर घर में दे रहे हैं, नहीं दे रहे कुछ नहीं दे रहे देने को, दो रोटी मिलता है, चार पेट भर जाएगा, नहीं मिलता है। गांव में परिवार भी होगा, परिवार सब लोग, उनको भी पैसा भेजना पड़ता है, भेजना पड़ता है, जब कमाएंगे तभी ना भेजेंगे, वैसे कहाँ से भेजेंगे जब काम धंधा नहीं चल रहा, तो मैंने भेजे वैसे भी। अच्छा आपका नाम क्या है? महेंद्र। हाँ महेंद्र, ट्रेनें तो चल गई है ना, कुछ ट्रेनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ट्रेन में क्यों नहीं जा रहे? तो गए थे वहाँ पे स्टेशन पे भी गया था, बोल रहा है रजिस्ट्रेशन हमने आज कराया था कम से कम 15 दिन पहले। अच्छा, मेडिकल भी करवा लिया, ठीक है। अभी बोलते हैं जब दूसरा मैसेज आएगा तब जाना। हाँ। अभी जाओ चाहे जैसे जाओ, रिटर्न हो जाओ, घर जाओ, ऐसे पैदल ही जाओ, मतलब तसल्ली दे रहे हैं ना कि रहो पंजाब। अच्छा महेंद्र, आप कितने सालों से रह रहे हो पंजाब? यहाँ पे कम से कम 12 साल हो गए। 12 सालों में लगता नहीं है कि पंजाब आपको अपना नहीं सका? आपने पंजाब को इतना कुछ दिया, रोज दिहाड़ियाँ करते थे ना, पर जब आप पर मुसीबत आई है तो पंजाब पीछे हट गया, ऐसा लग रहा है? हाँ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब मुसीबत में वो लोग काम नहीं आ रहे हैं, जब हम लोग जाना चाहते हैं घर, जब काम धंधा है ये नहीं तो क्या करेंगे हम? करेंगे, आप कभी पंजाब आओगे? ऐसे रहेंगे तो नहीं आएंगे। आप आओगे? नहीं। पंजाब आओगे कभी? पंजाब आओगे कभी? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो अभी कोई अपने घर में पत्थर नहीं रख पाएगा, है ना? तो लगता है कि अब जाना ही बेहतर है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो 4-5 महीने अभी कोई कराएगा ही नहीं काम, क्या करेंगे इधर पहले बैठ के क्या खाएंगे? सरकार हम लोगों की सुविधा नहीं कोई दे रही है, सरकार सुविधा देती तो हम लोग घर नहीं जाते, जब सारा मेडिकल वेडिकल हो गया, बस भी बाहर हम लोग बस भी नहीं गई, हम लोग क्या करें? ट्रेन का फॉर्म भरा हुआ, ट्रेन का फॉर्म 15 दिन हो गया, ट्रेन का फॉर्म भरा, क्या करेंगे इधर पे? घर पे परिवार में कौन? बीवी बच्चे है, माँ है, भाई है, बहन है, उनको पैसा भी नहीं भेजा, अभी कहाँ भेजे? 2 महीने हो गया, पहले जब कमाएंगे नहीं तो भेजेंगे कहाँ से? जब कमाएंगे तभी भेजेंगे, इसी तरह हम लोग अपना रोटी रोजी चला रहे हैं, इधर उधर करके जो भाव भी खत्म हो गया, क्या करेंगे घर नहीं जाएंगे क्या करेंगे? नहीं अभी 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 दोबारा कभी अगर पंजाब में आने का मौका मिले, पंजाब आने का मौका मिलेगा तो सोचेंगे, अगर दिन में यही बात रहेगी तो नहीं आएंगे। कितने साल हो गए पंजाब? मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए पंजाब में, और 18 साल से आप यहाँ क्या आपका पत्थर का काम? पत्थर का काम करते हैं। अच्छा, अभी पंजाब को आपने पंजाब में बहुत सारे घर बनाए होंगे, बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे, तो कोई आगे नहीं आया? कोई नहीं आगे आया,
जिसके पास मैं काम करता तो वही मेरे आगे आया, थोड़ा बहुत पैसे पूछे दिया, चल पड़े पैदल। कितने दिन लग जाएंगे गांव पहुँचने? लग जाएगा 20-25 दिन। 20-25 दिन पैदल चलना लगता है आसान? तो लगता तो नहीं है, तो मजबूरी है, तो जाना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है, तभी हम लोग कदम उठाए हैं सोच कर कुछ। आप लोगों को सरकार नहीं दे रही है, क्या करेंगे? पैदल नहीं जाएंगे तो क्या इधर भूखे मरेंगे? वैसे भी मरना है तो चलते चलते मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप भी तलवाड़ा से हैं? हाँ, तलवाड़ा से सभी बंदे आए हैं, तलवाड़ा हमारे साथ ही रहते हैं। 4 दिन से पैदल 100 किलोमीटर, अभी 100 किलोमीटर हाँ, तभी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे हम लोगों को जाते जाते। रास्ते में लोग से खिला पिला रहे हैं? हाँ, कुछ खिला पिला रहे हैं, मिला है हम लोगों को, उधर आगे भोजन मिला है, फिर पानी मिला है, बिस्कुट मिला है हम लोगों के लिए, जो है मिल रही है थोड़ा बहुत रास्ते में पानी खाने के लिए, और क्या देंगे खाने पाने के लिए, जो मतलब मिल रहा है वही हम लोगों के लिए भगवान है, वही संतुष्टि हम लोगों के लिए है। अभी जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है ना, अभी 31 तारीख तक शायद लॉकडाउन खुल जाए, क्या इतनी लॉकडाउन क्या इतनी ज्यादा मजबूरी फैल गई थी कि आपको नहीं अभी जाना? जैसे मजबूरी है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, खाने का पैसा नहीं है, अभी बोलते हैं लॉकडाउन बढ़ेगा घटेगा, भी कोई फाइनल नहीं है, तो हम लोग कैसे मान ले कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अगर खुल भी गया तभी ठीक है, अगर नहीं खुला तभी ठीक है, हम तो लोग तो चले अपने गाँव, अगर खुल जाता तो ठीक है यहाँ के लोगों के लिए, अगर नहीं खुलता तो हम लोगों के लिए दिक्कत है, अगर आज रुक जाते कल बंद हो जाते तो फिर क्या करेंगे? कई बार तो हो गया, अगर अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, और नहीं बढ़ता ही जा रहा है, हो गया 2 महीने बढ़ते बढ़ते। क्या कहना चाहोगे पंजाब सरकार? ठीक है, जो भी है हाँ, पर व्यवस्था सही है, अब एक ट्रेन और हम लोगों की व्यवस्था नहीं है बस। लास्ट में जो पंजाब सरकार है, पंजाब को क्या कहना चाहोगे? कोई 18 साल तो पंजाब दे विच मेहनत कर रहा है, कोई 12 साल तो पंजाब दे विच मेहनत कर रहा है, पर जो इन्हां मजदूरां ते मुसीबत आई है, जो इन्हां मजदूरां नूं पंजाब की लोड़ है, तो पंजाब इन्हां दा हाथ नहीं फाल रहा है। सो कैप्टन सरकार नूं जरूर देखना चाहिए है कि ये जिहड़े मजदूर ने, इन्हां दे पंजाब दे निवासी ने, इन्हां ने बहुत कुछ दिता है पंजाब नूं, पंजाब जी अपने पैरां ते खड़ा है, तो इन्हां मजदूरां दे करके खड़ा है। सो इन्हां वल जरूर ध्यान दो, बने रहो द टीवी एन आर आई दे नाल।